बता दीजिए एक बार। यस मैम, यस मैम, भी कर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे जो चैप्टर है हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है? चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम एंड यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। एक तो आर एफ फैक्टर प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन बाकी है, तो यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है लिखने वाली हूँ, तो हमारा एक तो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन थियरम सीखेंगे आज, नहीं नहीं मल्टीप्लीकेशन थियरम नहीं, यहाँ पे मल्टीनोमियल, क्योंकि बाइनोमियल हमने सीखा स्टूडेंट, तो यहाँ पे मल्टीनोमियल आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा मिस्टेक है, मल्टीप्लीकेशन तो अलजेब्रा में करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीनोमियल, ओके, मल्टीनोमियल थियरम एंड दूसरा हम सीखेंगे बाइनोमियल थियरम फॉर एनी इंडेक्स। मतलब अगर इंडेक्स आपका कुछ भी नेगेटिव हो, रैशनल हो, फ्रैक्शन हो, तो वो वाले केस में कैसे करते हैं वो वाला चीज सीखेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है मल्टीनोमियल थ्योरम एंड यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। गुड इवनिंग एवरीवन। तो ठीक है स्टूडेंट, अभी हम आज का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम मैंने लिख दिया है बाइनोमियल थ्योरम है, और उसके अंदर हम मल्टीनोमियल थ्योरम एंड यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ये आज हम कवर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे पहले तो जो लास्ट टाइम मैंने जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था स्टूडेंट, ये आर एफ फैक्टर प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा कि कब करते हैं। बेसिकली जब भी हमें प्रॉब्लम इस टाइप में मिले, रूट ए प्लस बी होल रेस टू पावर एन ऐसा फॉर्म में, तो हम जो गिवन है एक्सपांशन उसको आर मान लेते हैं, फिर हम एक जी डिफाइन करते हैं बेसिकली। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं ये चीज हमने लास्ट टाइम भी सीखी थी, जो ये जी हम बेसिकली यहाँ पे आर में प्लस साइन को माइनस साइन से रिप्लेस करके हम जी डिफाइन करते हैं एंड जी का जो वैल्यू आता है स्टूडेंट वो जीरो और वन के बीच में लाई करता है, ठीक है? और जो ये एक्सपांशन जो ओरिजिनली आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम यूजुअली आर से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड जो इसके एक्सपांशन का जो आंसर आता है तो उसके इंटीजर पार्ट को हम यहाँ पे आई से डिनोट कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रल वैल्यू या इंटीग्रल पार्ट बोल सकते हैं, एफ फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ, जैसे आपके पास 2.37 कुछ ऐसा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, 2 आपका इंटीजर पार्ट हो गया, इंटीग्रल पार्ट बोल सकते हैं उसको, एंड 0.37 ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है? एंड फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है? ये वाली बात सबको समझ में आई थी, लास्ट टाइम हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे इसके, अभी आज एक और क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आर एफ फैक्टर प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ, तो वो अभी आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एल्गोरिदम हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, हम जी डिफाइन कर रहे हैं बाय रिप्लेसिंग प्लस साइन बाय माइनस साइन, लेकिन साथ में एक और चीज चेक करना है, जो जी की वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो 0 और 1 के बीच में लाई करने चाहिए, ठीक है? तो वो जी डिफाइन करते वक्त ही हम देख लेंगे कि प्लस और माइनस साइन कैसे लगाना है, ठीक है? उसके बाद हमें या तो जी को आर से एड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमें इंटीजर वैल्यू मिले, ठीक है? उसके बाद अगर हमने जी को अगर एड किया है तो हम ऑलवेज एफ प्लस जी इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ये कैसे मिला वो भी उसका रीजन भी मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है? ये डायरेक्टली एल्गोरिदम से ऐसा लिख रही है, आपको चाहिए तो पूरा उसका एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूँ कि एफ प्लस जी इक्वल टू 1 कैसे आया। अगर आपने जी को सब्ट्रैक्ट किया है आर में से ताकि आपको इंटीजर वैल्यू मिले, तो वो वाले केस में आपको यहाँ पे मिलेगा एफ इज इक्वल टू जी, ठीक है स्टूडेंट? तो ये एल्गोरिदम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, अभी ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में, ये क्वेश्चन होमवर्क में मिला था बेसिकली आपको, तो ये अभी एक बार डिस्कस कर लेते, हो सकता है आपने ऑलरेडी ट्राई किया हो, आंसर मिल गया हो, नहीं मिला तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट? यहाँ पे तो ऑलरेडी आर हमें दिया हुआ है, तो जो ले लेते हैं, लेट आर इज इक्वल टू 6 इंटू रूट 6 प्लस 14 होल रेज टू पावर यहाँ पे 2n प्लस 1 है, एंड स्टूडेंट आपको पता है जिसको आर लिया है हम इसके इंटीग्रल पार्ट को आई से डिनोट करते हैं एंड फ्रैक्शनल पार्ट को एफ से, ठीक है? आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? अभी नेक्स्ट वाले स्टेप में हम आर का एक्सपांशन लिख लेते हैं स्टूडेंट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है? तो कौन मुझे बताएगा, पहले एक दो टर्म लिख लेते हैं ताकि आपको इजिली समझ में आए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात की जाए तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 सी 0 एंड यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू रूट 6 उसका पावर हो जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है? 14 का पावर 0 हो जाएगा। सेकेंड टर्म की बात की जाए तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा c1
एंड यहाँ पे 6 × √6 इसका पावर आपके पास हो जाएगा 2n + 1 - 1, मतलब 2n हो गया, एंड इधर की मल्टीप्लाई विद 14, मतलब 14 का पावर 1। ठीक है स्टूडेंट, ये दो टर्म मैंने लिख के दिखाई है, डॉट डॉट करके लास्ट टर्म मैं आपको लिख देती हूँ। लास्ट टर्म आपको मिलेगी 2n + 1, यहाँ पे c 2n + 1, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 14 raised to power मिलेगा 2n + 1। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ईच टर्म की बात की जाए तो 6 × √6 उसका पावर आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे 14 का पावर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया टर्म बाई टर्म। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछिए एक्सपांशन में। स्टूडेंट्स समझ में आए? ओके स्टूडेंट, तो अभी ये हमारा क्या हो गया, आर हमने लिखा है ये जो, क्योंकि हमने बात करी थी आर किसको बोलते जब भी हमारे पास √a + b whole raised to power n ऐसा कुछ एक्सपांशन मिले, तो वो वाले केस में हम उसको आर बोल रहे हैं, और इसके इंटीग्रल पार्ट को आई से डिनोट कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को एफ से। अभी स्टूडेंट आर हमारे पास है तो हमें एक जी डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे जी को, बेसिकली हमें आर से ही डिफाइन करना है, बट वहां पे प्लस साइन को माइनस साइन से रिप्लेस करके मिलता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो जी की वैल्यू हो वो हमेशा आपका 0 और 1 के बीच में लाई करे। ठीक है, तो एक चीज अगर आप बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 6 × √6 + 14 है, तो अगर मैं रूट सिक्स की बात करूँ स्टूडेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेसिकली, वो चीज हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए रूट सिक्स, क्योंकि आपको स्टूडेंट रूट फोर का वैल्यू पता है कितनी होती है, कोई मुझे बताएगा? रूट फोर की वैल्यू पता है सबको, 2 होती है। ठीक है, एंड रूट नाइन की पता है कितनी होती है, 3। तो बेसिकली अगर रूट सिक्स की बात करूँ तो 2 और 3 के बीच में आने वाले, 2 और 3 के बीच में, एंड इसकी वैल्यू स्टूडेंट आपको ऐसा आपको मिलता है 2.449, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको रूट सिक्स की। ठीक है, अगर आपको रूट सिक्स की वैल्यू 2.449 है, अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली जो मल्टीप्लीकेशन आएगा आपका 14 point something आएगा, मतलब क्या है, पहली टर्म 14 से बड़ी है। ठीक है, तो आपको जी ऐसा डिफाइन करना है आर से, मतलब यहाँ पे प्लस साइन को माइनस साइन से रिप्लेस करना है, यूजुअली डायरेक्टली ये वाला ही होता है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि जो जी हमें मिलेगा वो आपका 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप माइनस साइन करेंगे तो बेसिकली जो ब्रैकेट की बात की जाए आपका, वो आपका 0 point something कुछ मिलेगा। ठीक है, तो वो सही है, तो यहाँ पे हम जी डिफाइन कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे तो जी हमें आर से डिफाइन करना है, जस्ट प्लस साइन को माइनस साइन से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे जी हमारा हो गया 6 × √6 - 14 whole raised to power 2n + 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देना है इंडेक्स कितना है, 2n + 1। ठीक है, अभी स्टूडेंट कौन मुझे इसका एक्सपांशन बताएगा प्लीज बताइए। तो यहाँ पे जी का एक्सपांशन लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं पूरा लिख देती हूँ जी, ये हो जाएगा 2n + 1 c0, एंड यहाँ पे 6 × √6 इसका पावर हो जाएगा 2n + 1। नेक्स्ट टर्म की बात कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि बीच में माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी माइनस आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अगर माइनस 14 को एक साथ ब्रैकेट में ले रहे हो स्टूडेंट, तो माइनस 14 का पावर 1 हो जाएगा सेकंड टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको माइनस साइन दिखेगा, मैं लिख देती हूँ, तो 2n + 1, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, c1। ठीक है, एंड यहाँ पे मिलेगा 6 √6, इसका पावर कितना हो जाएगा, 2n + 1 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, क्योंकि मैंने बाहर ऑलरेडी माइनस लगा दिया है। इसके बाद की बात की जाए स्टूडेंट प्लस, एंड लास्ट टर्म आपके पास क्या हो जाएगा, -1 का पावर, देखिए यहाँ पे इंडेक्स कितना है, 2n + 1। ठीक है, ये वाली चीज याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टेक करते बहुत सारे स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 2n + 1 c 2n + 1, एंड यहाँ पे क्या होगा, 14 का पावर हो जाएगा आपके पास 2n + 1। किसी को डाउट है, मैंने स्टार्टिंग के 2 टर्म लिख के आपको दिखाया, फिर डॉट डॉट करके लास्ट टर्म बता दिया। ठीक है, सब स्टूडेंट प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, एवरीवन प्लीज बता दीजिए चैट सेक्शन में यस या नो, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे जी हमारे पास है, एक बार चेक कर लेती हूँ। ओके, तो ये हमारे पास जी हो गया और ये हमारे पास हो गया आर। थैंक यू राशि, ठीक है यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो स्टूडेंट अभी आपको डिसाइड करना है कि आप आर और जी को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि जो हमें जो रिजल्ट मिले वो इंटीजर वैल्यू मिले। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला टर्म देखिए,
पहले टर्म में क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपको 2n plus 1 c0 into 6 root 6 उसका पावर 2n plus 1. 2n plus 1 सब लोग एग्री करेंगे ये ओड पावर है, क्योंकि 2n मतलब आपका इवन हो गया, क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप n को तो 2 ये इवन हो गया, एंड उसमें आपने एक ऐड कर दिया तो स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा ओड. और आपको पता है 6 root 6 का अगर पावर ओड रहेगा वो वाले केस में आपको इंटीजर वैल्यू नहीं मिलती है. तो मतलब ये जो टर्म है बेसिकली ऐसी जो टर्म दिख रही है वो आपको कैंसिल करनी है, ये वाली बात समझ में आई, तभी आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो इंटीजर वैल्यू मिलेगा. ठीक है स्टूडेंट, प्लीज यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, आर ये है एंड ये हमारे पास है जी. ठीक है, तो हम क्या करें, जी को आर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बेसिकली आपका फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर थर्ड टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिफ्थ टर्म कैंसिल हो जाएगा. इससे क्या होगा, जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज बताइए, क्योंकि इवन पावर वाला तो आपको ऑलरेडी इंटीजर ही देगा. देखिए यहाँ पे दिखा रहे थे, सेकंड टर्म देखिए, यहाँ पे 2n plus 1 c1 into 6 root 6 का पावर 2n, ये इवन पावर है, तो इवन पावर में आपको पता है इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी. लेकिन जब ओड पावर है 6 root 6 की, वो वाले केस में आपको इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी. ठीक है, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जी को आर से. तो आप लिख सकते हो r माइनस जी, तो क्या मिलेगा बेसिकली, ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट, पहली टर्म हो गई कैंसिल, तो यहाँ पे 2 टाइम्स मिलने वाला है, एंड क्योंकि आप g को r में से सब्ट्रैक्ट करो तो ये वाली टर्म हो जाएगी प्लस. तो प्लीज चेक कीजिए टर्म ऐसा मिलेगा कि नहीं, ये c1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 रूट 6 उसका पावर 2n, यहाँ पे 14. नहीं, एक और टर्म में लिख देती हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म की बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2n plus 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा c3. ठीक है, यहाँ पे c3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास मिलेगा 6 into root 6, इसका वैल्यू बताइए ऑल रेस्ट टू कितना हो जाएगा, 2n plus 1 minus 3, तो यहाँ पे क्या होगा 2n minus 2. एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, एंड इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, नहीं है आपका हैंड रेज है प्लीज बताइए. हाँ नहीं, हाँ बोलिए नेहा, प्लीज बोलिए. ओके नो प्रॉब्लम. अच्छा कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा इधर क्या आएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में 14 रेस टू पावर 3 आ जाएगा, जो देखिए ना यहाँ पे जो एनसीआर जैसा रहता है, जहाँ पे आर रहता है वही वैल्यू आपको बी की मिलती है. यहाँ पे बी की वैल्यू की बात की जाए, बी 14 है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद आप लिखेंगे, यहाँ पे अगर जगह है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो जगह नहीं है तो इधर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे था मल्टीप्लीकेशन डॉट लिखे 14 का पावर 3. ठीक है, उसके बाद प्लस डॉट 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 इतना लिख देना, लास्ट टर्म मैं नहीं लिख रही यहाँ पे. ये वाली चीज समझ में आई स्टूडेंट, r माइनस g मतलब हमने g को सब्ट्रैक्ट किया है r में से ताकि हमें इंटीजर वैल्यू मिले. ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, इसका मतलब है आपको r माइनस g है, ये क्या मिला 2 टाइम्स k, ये जो पूरा ब्रैकेट में वो कुछ इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर k इज इंटीजर. ठीक है, k बिलोंग्स टू z. किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में प्लीज बताइए. नो मैम. अच्छा स्टूडेंट ये चीज हो गई, लेकिन हमने जो एल्गोरिथम में क्या सीखा था, अगर r में से अगर आप g को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो वाले केस में हमें क्या मिलता है, वो वाले केस में हमें मिलता है f इज इक्वल टू g. यहाँ पे मैं एक बार एल्गोरिथम में दिखा देती हूँ आपको. ठीक है, लेकिन ये मिला कैसे f इज इक्वल टू g, अगर वो आपको जानना है तो वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ रीजन में. रीजन में देखिए यहाँ पे आपको मिला है r माइनस g इज इक्वल टू 2k. ठीक है, तो ये एक बार यहाँ पे लिख देते हैं. और r आपको पता है क्या है स्टूडेंट, r है आपका i प्लस f. ठीक है, एंड ये आपका g कितना हो गया आपके पास 2k. ठीक है, 2k एंड k यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, लिखना चाहे तो वापस से लिख देते हैं वेयर k बिलोंग्स टू z. किसी को डाउट है इसमें, और आपको पता है स्टूडेंट i क्या है, इंटीग्रल पार्ट है ऑलरेडी, तो यहाँ से अगर मैं बात की जाए तो f माइनस g क्या हो गया आपके पास 2k माइनस i. ठीक है, हाँ मतलब क्या है, f माइनस g इज इक्वल टू सम इंटीजर, क्योंकि 2k भी इंटीजर है, i भी इंटीजर है, तो सम इंटीजर कुछ इंटीजर मिलेगा आपको. ठीक है, ये वाली बात से एग्री करेंगे. मैं आपको पूरा डिटेल में दिखा रही हूँ कि f इज इक्वल टू g आया कहाँ से, वो चीज समझाने के लिए ऐसा कर रही हूँ. ठीक है, अच्छा स्टूडेंट अभी मुझे बताइए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है, एंड ये g क्या हमने भी ऐसे डिफाइन किया ताकि ये 0 और 1 के बीच में लाई करे. ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी. एंड स्टूडेंट अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो इनका अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली माइनस वन लेस देन आपका एफ माइनस जी मिलेगा,
लेस देन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे मिलेगा आपको बताइए क्या मिलेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एवरीवन, यहाँ पे आएगा वन। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है मैम ये किया क्या, देखो ये जो इनइक्वालिटी है ना स्टूडेंट यहाँ पे सेकेंड वाली, आप उसको -1 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले तो, ठीक है समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए 0 इज लेस देन जी लेस देन 1 ऐसा आपको मिल रहा है, या एक काम कीजिए एफ और जी की कुछ वैल्यू लेके देख लीजिए, ठीक है देखो सेकेंड वाली इनइक्वालिटी हमने ऐसा लिखा है 0 इज लेस देन जी लेस देन 1, ठीक है आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। यस मैम, अच्छा देखो इसको मैं अलग अलग करके यस दिखाती हूँ, ये जो मैम, चीज लिखी है ना सेकंड वाली, अच्छा स्टूडेंट ये दो इनइक्वालिटी को साथ में लिखा है, मतलब एक तो ये है 0 इज लेस देन जी एंड दूसरा है जी इज लेस देन 1, ठीक है। अच्छा डोंट वरी यहाँ पे शिवानी आपका हैंड रेज है, दो शिवानी का हैंड रेज है, एक एक करके बोलिए आप कुछ डाउट है तो प्लीज। ये जो 0 less than f less than 1 है, यहाँ पे अगर f की वैल्यू 2 हो जाए तो किसकी वैल्यू एफ की, यस मैम, अच्छा एफ है फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहती है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना जैसे हम लिखते हैं, जैसे आपको एग्जांपल दूं जैसे कुछ भी लिखा 2.789, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ये वाला होता है स्टूडेंट, ये वाला जो पार्ट होता है उसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, इंटीजर वैल्यू ये है और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट, और उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहती है, ठीक है। अगर वो 1 बन गई तो वो इंटीजर में ही काउंट हो जाएगा, या 2 बन गए तो इंटीजर में काउंट हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ ओके पे मैम, जो एफ है वो फ्रैक्शनल पार्ट है स्टूडेंट, और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, रिलेशन ऑफ फंक्शन जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वहां पे फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है यस मैम, नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता यस है उसको उधर मैम, हम पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट इसका जो मैं बता रही थी आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन, देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी है सेकंड वाली ऐसा 0 इज लेस देन जी लेस देन 1, ठीक है क्योंकि यहाँ पे आपके पास माइनस जी आ रहा है ना स्टूडेंट, तो आपने क्या किया बेसिकली ये इनइक्वालिटी को आपने क्या किया -1 से मल्टीप्लाई किया है, या बोल सकते डिवाइड किया है। अगर देखो 0 लेस देन जी है स्टूडेंट, अगर आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दो अलग अलग लिख के दिखाया है मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट आपको पता है जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी के दोनों साइड को तो वाले केस में क्या होता है, आपको पता है उसका साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर का लेस देन का ग्रेटर, ठीक है। तो यस मैम, यहाँ से देख ली अगर मैं अलग अलग नहीं लिखती तो यहाँ से क्या हो जाता है, डायरेक्टली अगर मैं बताती आपको ये भी ये वाला नहीं लिखती तो क्या हो जाता, माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको तो ये हमारे पास क्या हो जाता स्टूडेंट, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाता क्योंकि आप 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, ये हो जाएगा माइनस जी और ये हो जाएगा -1, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, समझ में आया इतनी वाली बात, प्लीज यस बताइए क्योंकि मैंने थ्रू आउट एक साथ कर दिया, आप चाहे तो अलग अलग करके भी लिख सकते थे, 0 लेस देन जी एक ले लेते फिर लेते जी लेस देन 1, वैसे भी करते कंबाइन करके यही आता, ठीक है। एंड इसको अच्छे से लिखेंगे तो स्टूडेंट ये है क्या बेसिकली, ये है आपका -1 लेस देन -g लेस देन 0, ठीक है समझ में आया। देखो यस मैम, अभी मैं ओके मैं रेड मार्क के टिक करती हूँ, ये वाला और ये वाला ऐड करना है, कर सकते हैं ऐड, कर सकते हैं ना स्टूडेंट, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे -1 आया लेस देन एफ, क्योंकि यहाँ पे माइनस जी तो ऑलरेडी था तो एफ माइनस जी हो गया लेस देन 1, तो वही चीज मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है ये आपको समझाने के लिए पूरा चीज लिखा है। एंड स्टूडेंट कौन मुझे ये बताएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है कि एफ माइनस जी आपका -1 से 1 के बीच में है, एंड ऊपर हमने क्या लिखा है एफ माइनस जी कोई इंटीजर, ठीक है तो कौन सा इंटीजर -1 और 1 के बीच में आता है, एवरीवन बताइए कौन सा इंटीजर -1 और 1 के बीच में आता है, 0। जीरो मतलब यहाँ से आपको मिला f इज इक्वल टू 0, ये पूरा रीजन आप देना चाहे तो लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली एल्गोरिदम में बोलते हैं ना कि अगर आपने g को सब्ट्रैक्ट किया है r से इंटीजर वैल्यू लेने के लिए तो आप f इज इक्वल टू g मिलता है, ठीक है। शिवानी हाँ बोलिए शिवानी, मैम, 0.1, 0.2, 0.3 वो नहीं होते? वो इंटीजर में नहीं होता ना काउंट, वो रियल नंबर में आप काउंट करेंगे लेकिन वो इंटीजर में काउंट नहीं होता। इंटीजर में होता क्या बेसिकली, इंटीजर में देखो अपने नेचुरल नंबर पढ़ा है, ठीक है जैसे यस नेचुरल मैम, यस नंबर मैम, 1, 2, 3 जो काउंटिंग नंबर बोलते हैं, होल नंबर में 0 भी आ जाते हैं, इंटीजर में क्या होता है स्टूडेंट, होल नंबर तो सारे आते हैं उनका नेगेटिव भी आता है, 0, 1, 2, 3 आएगा उनका नेगेटिव, -1, -2, -3 ये सब आता है, तो ये यस आपका मैम, तो इंटीजर में, पॉइंट में वैल्यू नहीं होती है। काउंट में नहीं होता इंटीजर में काउंट, वो रियल नंबर आप काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन इंटीजर की बात करें तो स्टूडेंट इंटीजर वैल्यू इज 0,
यहाँ पे मिलेगी ये वाले केस में। ठीक है, सबको समझ में आया? तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, इधर वाला, ये वाला आई थिंक समझ में आया होगा, ये जो टिक किया ये वाला भी इरेज करती हूँ। एंड फाइनली यहाँ से आप मुझे जो क्वेश्चन में पूछा तो वो वाले पार्ट का आंसर दे पाए। ठीक है, तो ये वाला रफ वर्क मैंने करके दिखाया था आपको इधर। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू जी मिल गया स्टूडेंट। और अच्छा, अभी तो बहुत इजी हो गया हमारा क्वेश्चन। कैसे स्टूडेंट बताइए, क्वेश्चन में क्या पूछा था? आर इंटू एफ पूछा था। ठीक है, आर आपको ऑलरेडी पता है ये है, और एफ आपको क्या मतलब है, फिर फ्रैक्शनल पार्ट, वो इक्वल टू जी आ गया यहाँ से, और जी भी आपको पता है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है तो यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर आर इंटू एफ इज इक्वल टू आर इंटू जी, ऐसा लिखना चाहे तो लिख लीजिए। आर की वैल्यू क्या थी? 6√6, एंड यहाँ पे आई थिंक प्लस था, इसका होल रेस्ट टू पावर 2n+1। इसकी बात कीजिए स्टूडेंट, ये कैसा था? 6√6 − 14 होल रेस्ट टू पावर 2n+1। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी सबको। अच्छा यस मैम। स्टूडेंट, अभी देखो ब्रैकेट बड़ी वाली लगाई मैंने, देखिए यहाँ पे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया होगा, पहले ये ब्रैकेट का ये रखा यहाँ पे 6√6 − 14, और ये टोटल बड़ी ब्रैकेट का मैंने 2n+1 ये इंडेक्स कर दिया, क्योंकि हमने इंडेक्सेस में क्या पढ़ा है स्टूडेंट, ए इंटू बी, उसका होल रेस्ट टू पावर अगर एन होता है दैट इज सेम एज ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। तो ऐसे ही हमने ऐसा लिख सकते हैं। अभी बताइए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? एवरीवन आइडेंटिटी पढ़ा है सबने, a+b × a − b, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये हो गया 6√6, उसका एक मिनट अच्छे से लिखते हैं इसको, यहाँ पे 6√6 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस साइन आएगा स्टूडेंट यहाँ पे 14 का स्क्वायर, एंड ये होल रेस्ट टू पावर 2n+1। ठीक है, प्लीज मेरे से पहले सोल्व कीजिए आप लोग, यही हो जाएगा 6 × 6 × 6, मतलब ये 6 का क्यूब हो गया जो हो गया 216, 216। ठीक है, एंड यहाँ पे 14 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट चेक कीजिए 196 आता है कि नहीं। ठीक है, आप लोग चेक करने वाले हैं, इसका होल रेस्ट टू पावर दिया है 2n+1। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं जो, एक सेकेंड, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, यहाँ भी लिख लेते हैं कितना आएगा स्टूडेंट बताइए। हाँ, मुझे लग रहा है 20 आ रहा है, 20 का पावर दिया है 2n+1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, आर इंटू एफ इज सेम एज यहाँ पे आर इंटू जी। यहाँ पे चाहे तो ऐसा क्रॉस सरल लगा लीजिए ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? यस मैम। किसी को है तो स्टूडेंट एक बार वापिस से बता देती हूँ, जो हमने आर एफ फैक्टर प्रॉब्लम जिसको बोला है, वो होता है क्या बेसिकली, अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन दिखे, ऐसा आ गया यहाँ पे √a + b होल रेस्ट टू पावर n, तो ऐसे में क्या करेंगे, जो एक्सपांशन के इंटीग्रल पार्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो हमने ऐसा 3 क्वेश्चन किए हैं एग्जाम में, या तो उसके इंटीग्रल पार्ट पे पूछेंगे या फ्रैक्शनल पार्ट पे पूछेंगे। ठीक है, और आपको ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ पे हमने प्रूव दैट करके ऐसा लिखा हुआ है 2 क्वेश्चन में। ठीक है, कर सकते हैं ना आप ऐसा क्वेश्चन में, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। पहले तो आर का एक्सपांशन लिखिए, जी आपने डिफाइन किया, फिर आपको सोचना है कि जी को ऐड करें आर में या सब्ट्रैक्ट करें, ताकि जो रिजल्ट आपको मिले वो इंटीजर वाला मिले। ठीक है, इंटीजर वैल्यू मिले, तो वो उसके हिसाब से आपसे डिसाइड करना है, अगर आपने जी को ऐड किया है आर के अंदर टू गेट द इंटीजर वैल्यू, तो वो वाले केस में आपको f+g की वैल्यू 1 मिलती है, एंड जब आपको पता है जी को सब्ट्रैक्ट किया है तो वो वाले केस में हमें f = g मिलता है। f क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, एंड फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 से 1, और ये जो जी हमने डिफाइन किया यहाँ पे, वहां पे भी 0, ये जो जी की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, पक्का समझ में आया सबको? तो हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, किसी को कुछ डाउट रहेगा प्लीज पूछिए, अदरवाइज फिर हम पढ़ेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, करें शोले कंटिन्यू करें, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज आप पूछ लीजिए, मैं चैट सेक्शन में भी देख लेती हूँ। ओके, यहाँ पे किसी का कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी पढ़ते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम, यहाँ पे हेडिंग है, लेकिन पहले मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम का ये एग्जांपल ले रही। देखिए स्टूडेंट, आपने सबने पढ़ा है a+b होल रेस्ट टू पावर n ले लीजिए, या x+y होल रेस्ट टू पावर n ले लीजिए, जिसको हम सिग्मा के फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, सिग्मा r इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 to n ncr, फिर लिखा x का पावर n - r into y का पावर r, सबको याद है ना ये वाली चीज,
स्टूडेंट जनरल टर्म जो आर प्लस वन टर्म है जो मैंने सिग्मा की बाद में लिखा है वैसे ही लिखते हैं। अभी मैं क्या बोला है, ये जो एनसीआर है ना स्टूडेंट, इसको हम ओपन कर देते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। एंड यहाँ पे इंटू एक्स का पावर एन माइनस आर है, वाई का पावर आर है। तो बेसिकली ये सब उन टर्म्स का एडिशन है, यहाँ पे सिग्मा का मतलब एडिशन है, जहाँ पे आप देखेंगे ईच टर्म में एक्स और वाई के जो इंडाइसेस है ना स्टूडेंट, उनको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलता है, एन मिलता है। देखिए यहाँ पे एन माइनस आर, देखिए यहाँ पे एक्स का इंडेक्स की बात करें एक्स एन माइनस आर है, वाई का इंडेक्स है आर, इन दोनों के इंडाइसेस को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, एन मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या मिल रहा है, जो इनके इंडेक्स है बेसिकली उनका फैक्टोरियल दिख रहा है। देखो y का जो इंडेक्स है r, इसका फैक्टोरियल इधर दिख रहा है, ठीक है। एंड x का इंडेक्स है n माइनस r, तो n माइनस r का फैक्टोरियल भी आपको दिख रहा है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जो सेकंड स्टेप में लिखा उसको हम दूसरे तरीके से ऐसा लिख सकते हैं थर्ड स्टेप में, दिस इज इक्वल टू सिग्मा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s फैक्टोरियल इनटू t फैक्टोरियल, x का पावर कुछ s बोल दिया मैंने, y का पावर t है, मतलब यहाँ पे s एंड t क्या है, इंडेक्स हो गए x एंड y के रिस्पेक्टिवली। समझ में आया स्टूडेंट, यहाँ पे आप चाहे ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, मतलब सेम है चीज। यहाँ पे मैंने क्या लिखी है, एस प्लस टी इज इक्वल टू एन, मतलब ये एक्सपांशन बेसिकली है क्या, एक्स प्लस वाई होल रेस्ट टू पावर एन, वो ऐसी टर्म्स का एडिशन है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा मतलब एडिशन है, जहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस फैक्टोरियल इंटू टी फैक्टोरियल स्टूडेंट, ये तो कोएफिशिएंट हो गया कौन से टर्म का, जहाँ पे एक्स का पावर एस है, वाई का पावर है टी। एंड ये चीज याद रखना है आपको, जितने भी टर्म लिखेंगे इसके एक्सपांशन में आप x प्लस वाई होल रेस्ट टू पावर n में, तो ईच टर्म में x और y के इंडाइसेस को अगर आप ऐड करेंगे तो n मिलता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा है, समझ में आया स्टूडेंट, क्योंकि आपको तो पता है बाइनोमियल में, अगर आपको पता है ये n आपका कोई नेचुरल नंबर है, वो वाले केस में इसके एक्सपांशन में आपको n प्लस वन टर्म्स मिलते हैं, ठीक है। एग्री करेंगे ना सब लोग, प्लीज बताइए। अच्छा अभी सेम चीज को अगर मुझे ज्यादा पे अप्लाई करना है, यहाँ पे तो दो टर्म थे, अभी हो सकता है ब्रैकेट के अंदर आपको दो से ज्यादा टर्म मिले, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाली चीज याद रखना, हम ऐसा लिख सकते हैं जो मैंने थर्ड स्टेप में लिख के बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि जितने भी टर्म है यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई होल इज टू पावर एन, क्योंकि एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो आपको पता है इसके एक्सपांशन में एन प्लस वन टर्म्स मिलेंगी, एंड जो ईच टर्म है बेसिकली वो इस फॉर्म में रहेगी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s फैक्टोरियल इनटू t फैक्टोरियल। एंड यहाँ पे s क्या है, x का इंडेक्स है, t क्या है, y का इंडेक्स है, और यहाँ पे सिग्मा का मतलब है एडिशन, ठीक है। इन सब आपको एक्सपांशन में पता है, बहुत सारे टर्म आने वाले हैं एंड उनका एडिशन यहाँ पे सिग्मा लिखा है, ठीक है। सिर्फ एक चीज याद रखना है, x और y के जो इंडेक्सेस है उनका एडिशन हमेशा इंडेक्स जो होता है यहाँ पे जो n है उसके इक्वल आता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, सेम चीज को अगर हम ट्राइनोमियल अगर पे बोले, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर तीन टर्म है और उसका होल रेस्ट टू पावर एन है स्टूडेंट, अभी आप चाहे तो इसको बाइनोमियल से भी सोल्व कर सकते कैसे, अगर हमारे पास ऐसा था, ठीक है। आप एक इसको एक टर्म बोल दीजिए, ठीक है, सपोज आप बोल दिए ये ए है, ये वाली है बी, ठीक है, आप उसका एक्सपांशन लिख सकते हैं, उसको ए मान लीजिए, तो आप ए की जगह हमेशा एक्स प्लस वाई लिखेंगे, फिर उसको ओपन करके बेसिकली आपको पता चलेगा जो मिलेगा है टर्म स्टूडेंट, सारे टर्म इस फॉर्म में रहेगी, मतलब यहाँ पे मैंने बोला है x प्लस वाई प्लस जेड होल रेस्ट टू पावर n, तो उसका एक्सपांशन को अगर हम इन जनरल लिखना चाहे स्टूडेंट, ऐसा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू सिग्मा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू s फैक्टोरियल इनटू t फैक्टोरियल। यहाँ पे मैंने r s n t यहाँ पे x y और z के इंडेक्स लिए है रिस्पेक्टिवली, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे x y z के जो भी इंडाइसेस है उनका एडिशन हमेशा कितना होगा, यहाँ पे जो इंडेक्स दिख, यहाँ पे देखो n दिख रहा है ना, प्लीज बताइए एवरीवन, देखिए ये जो है एक्सपांशन x प्लस y प्लस z होल रेस्ट टू पावर n, तो यहाँ पे जो n है ये हमेशा आपको पता है किसके इक्वल रहेगा, जो भी वेरिएबल यूज हो रही है उनके इंडाइसेस का एडिशन, देखिए n इज सेम एज r प्लस s प्लस t, ठीक है। एंड ये बात आपको याद रखना है स्टूडेंट, जो r s n t है ये क्या क्या वैल्यू लेगा, आर की एस की या टी की मिनिमम वैल्यू आपकी जीरो होगी, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर मतलब जीरो वन टू थ्री ये वैल्यूज लेगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट, ऑब्जर्व कीजिए
जो एक्स का पावर में दिख रहा है आपको यहाँ पे एक्स रेस टू आर दिख रहा है उसका फैक्टोरियल आपको इधर डिनोमिनेटर में दिख रहा है, वाई का जो इंडेक्स दिख रहा है एस उसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में दिखेगा, जेड का जो पावर दिख रहा है टी, ठीक है, तो टी का फैक्टोरियल आपको डिनोमिनेटर में दिखेगा और न्यूमिनेटर में क्या है एन फैक्टोरियल, एन क्या है ये जो एक्सपांशन का इंडेक्स यहाँ पे देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे तीन टर्म है तो इसको आप ट्राइनोमियल बोल सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, बाइनोमियल में दो टर्म होती है, आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से भी लिख सकते हो दो टर्म को एक टर्म मान के, लेकिन बेसिकली आपको जितने भी टर्म है इस फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो बेसिकली अभी बाइनोमियल तो आप बता सकते थे कि मैम इतनी टर्म आने वाली है, जितना आपको पता था बाइनोमियल में, अगर x प्लस वाई होल रेज टू पावर n है, n कोई नेचुरल नंबर है, तो आपने बताया था कि उसके एक्सपांशन में आपको n प्लस वन टर्म मिलेगी, लेकिन यहाँ पे अभी क्या तीन टर्म मिल रही है होल रेज टू पावर n है, तो इसके केस में कितनी टर्म मिलेगी यहाँ पे, मतलब डिस्टिंक्ट टर्म की बात कर रहे स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली लिख के बताया है, आपको वेरीफाई करना है तो बाइनोमियल थ्योरम से भी वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे, कोई भी दो टर्म को एक टर्म मान लीजिए, फिर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांशन लिख दीजिए, फिर आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्टली की बात बोलूं तो मैं यहाँ पे ऐसा आता है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर एन इज एन प्लस टू सी टू। इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, जैसे एन की वैल्यू मैंने ली टू, आपको सबको पता है ये एक आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू एक्स जेड, कितने टर्म आते हैं स्टूडेंट, छह टर्म आते हैं, यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये इन जनरल है, इसका मैं प्रूफ आपको नहीं बता रही क्योंकि वो हायर स्टडीज में भी आता है और हायर स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं इसका डिटेल, अभी के लिए सिर्फ मैं दिमाग में लिख के बताया आपको, तो यहाँ पे देख लीजिए एन की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट टू, ठीक है, सो टू प्लस टू यहाँ पे हो गया फोर सी टू, अब चेक कर लीजिए कितना होता है फोर फैक्टोरियल, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख रही हूँ, टू वन जा टू टू जा आपको सिक्स मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म इसके एक्सपांशन में, ऐसा आप लिख सकते हो अगर एन आपका इंडेक्स है, ठीक है, एन क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसके एक्सपांशन में आपको एन प्लस टू सी टू, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट, प्लीज बताइए, अभी मैं आपको इन जनरल भी दिखाने वाली हूँ, इन जनरल मतलब अगर आपको ब्रैकेट में तीन या उससे ज्यादा टर्म भी मिले, जैसे पांच मिल गए छह टर्म मिल गए होल रेज टू पावर एन है, तो उसके एक्सपांशन में कितने टर्म आएगी वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हम बोल नहीं सकते किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे, तो वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम है ये यहाँ पे, लेकिन तीन टर्म मैंने लिए, ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं दिखा देती हूँ, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए इसमें, एवरीवन रिजल्ट में मतलब इसका प्रूफ नहीं करा रही अभी के लिए, सिर्फ आपको सिर्फ स्टेटमेंट बता रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं? यस मैम। ओके यस मैम। ओके स्टूडेंट थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा अभी ये वाली चीज देखिए, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, मल्टीनोमियल थ्योरम लिखा है मैंने, ठीक है, तो मल्टीनोमियल थ्योरम में क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, मल्टी जैसे हमें बाइनोमियल में क्या बोले थे, आपके पास दो टर्म थी, ठीक है, ट्राइनोमियल में तीन टर्म थी, अभी हो सकता है आपके पास बहुत सारी टर्म्स हो, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी लिखा है, यहाँ पे काउंटिंग करके नहीं बताया कि कितनी टर्म है, तो मल्टीनोमियल थ्योरम यहाँ पे ये हमारा बोल सकते हैं हेडिंग है, एंड यहाँ पे अगर आपके पास एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, एंड स्टूडेंट यहाँ पे ए वन ए टू अप टू एन रियल नंबर, जैसे पहले वाले जो क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने दो वेरिएबल कौन से लिए थे, एक्स एंड वाई, ठीक है, ऐसा लिख रहे थे ना, एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर एन, आप चाहे तो ए प्लस बी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप नोटेशन यूज करना चाहे यूज कर सकते हो, ये वाले केस में एक्स भी रियल नंबर था वाई भी रियल नंबर था, आपको पता है एन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एन आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे इन जनरल अगर मैं बात करूं मल्टीनोमियल थ्योरम की, अगर आपके पास ए वन ए टू अप टू ए एन बिलोंग्स टू आर, ये मैंने लिखा है, यहाँ पे चाहे तो एम लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने एम लिखा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप एम लिख लीजिए एम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ए वन ए टू अप टू ए एम, ये आपने क्या है एम रियल नंबर लिया है, ठीक है, और यहाँ पे जो एन है स्टूडेंट वो क्या है आपके एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ए वन प्लस ए टू अप टू ए एम होल रेज टू पावर एन, इसके एक्सपांशन में टर्म्स कैसे दिखेंगे, या मतलब इसके एक्सपांशन को आप कैसा लिखेंगे सिग्मा के फॉर्म में, वो कैसा होगा,
और कितने टर्म्स दिखेंगे उसकी बात करने वाले। तो आप चेक कीजिए ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म हो गए स्टूडेंट, एम टर्म हो गया आपके पास, क्योंकि हमें ए वन से लेके ए एम तक मैंने टर्म्स लिखे, एडिशन लिखा उनका, और होल रेस्ट टू पावर एन है। तो बेसिकली इसके एक्सपांशन में स्टूडेंट आप ऐसा लिख सकते हो सिग्मा एन फैक्टोरियल, क्योंकि एन यहाँ पे इंडेक्स है, ठीक है, पूरा ब्रैकेट होल रेस्ट टू पावर एन दिया हुआ है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसका जो एक्सपांशन होगा वो कैसा दिखेगा, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई के वन फैक्टोरियल इंटू के टू फैक्टोरियल अप टू के एम फैक्टोरियल। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आएगा मैम के वन के टू है क्या बेसिकली, यहाँ पे स्टूडेंट क्योंकि आपने जो वेरिएबल लिया था, आप बोल सकते हैं जो लिया था ए वन ए टू अप टू ए एम, तो इनका इंडेक्स आपको दिखेगा उसके एक्सपांशन में। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ए वन का जो इंडेक्स है के वन है, ए टू का इंडेक्स जो है के टू है, एंड अप टू ए एम का जो इंडेक्स है वो आपका के एम है। तो बेसिकली जैसे हमने बात करी थी अभी पहले भी, ठीक है, तो बेसिकली जो यहाँ पे जो इंडेक्स दिख रहा है आपको स्टूडेंट के वन क्या है, ए वन का इंडेक्स, तो इसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आपको दिखता है, ठीक है। के टू जो आपको दिख रहा है ए टू का इंडेक्स है, तो ये इसका भी फैक्टोरियल आपको दिखता है, ठीक है। ये वाली बात आपने ऑब्जर्व करी कि नहीं, प्लीज देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट आते हैं ना स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपको पता है ए वन ए टू अप टू ए एम ये रियल नंबर आपने लिया है, ठीक है, और आप इसी का एक्सपांशन लिख रहे हो। यहाँ पे ए वन ए टू की जगह आप चाहे तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये इनका जो आपने लिखा है यहाँ पे ए वन रेस टू पावर के वन, ए टू रेस टू पावर के टू, अप टू ए एम रेस टू पावर के एम, एंड प्लीज स्टूडेंट याद रखिए जो एन है बेसिकली आपका एन क्या होता है, यहाँ पे जो इंडाइसिस का जो एडिशन है, मतलब जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ए वन का यहाँ पे इंडेक्स है के वन, ए टू का इंडेक्स है के टू, तो मतलब यहाँ पे के वन प्लस के टू अप टू के एम ये सब आपका एन हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं, प्लीज बताइए एवरीवन। जैसे पिछले क्वेश्चन में बात करी जब बाइनोमियल भी पढ़ा था उसमें भी हमने बात करी थी कि अगर आपने x प्लस वाई होल रेस टू पावर n लिखा है तो जितने भी टर्म आएंगे वहां पे x एंड y के इंडाइसिस का एडिशन n होता है, ठीक है। तो ये वाले केस में क्या होगा, ये वाले केस में ये होगा कि ये जो जितने भी इंडाइसिस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे के वन के टू, उन सबका एडिशन आपका कितना होगा, n होगा, ठीक है। और ये जो बेसिकली स्टूडेंट सिग्मा के बाद जो दिख रहे हैं ना, ये इसका कोएफिशिएंट हो गया, समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं, अभी क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे कि मैं बोलूं जैसे x इंटू वाई इंटू जेड, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा कोई एक्सपांशन में, तो बेसिकली आप ये जो लिख रहे हैं ना सिग्मा के साथ में वही चीज मुझे बताने वाले। और यहाँ पे सिग्मा क्यों लिखा है स्टूडेंट, सिग्मा इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसकी एक्सपांशन में बहुत सारे टर्म आ रही है, उन सबका एडिशन है ये, ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। और यहाँ पे प्लीज याद रखिए के वन के टू अप टू के एम की वैल्यू मिनिमम वैल्यू जीरो है, अदरवाइज वो पॉजिटिव वैल्यू लेगा, ठीक है। के वन के टू की वैल्यू मिनिमम अप टू के एम जीरो होगी, उसके बाद वो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे लिखा है वेयर के वन के टू अप टू के एम आर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इनकी वैल्यू जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं लेनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्लीज बताइए मल्टीनोमियल थ्योरम बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमने बोला एन पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, एन पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए वन प्लस ए टू अप टू ए एम होल रेस्ट टू पावर एन में जो ये इंडेक्स आप ले रहे हैं के वन के टू अप टू के एम, यहाँ पे उनकी वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर मिलेगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट, प्लीज याद रखिए के वन प्लस के टू अप टू के एम आपको एन मिलेगा, मतलब सम ऑफ द इंडाइसिस इज इक्वल टू यहाँ पे एन, ठीक है। ये जो इंडाइसिस आपको पता है कौन कौन से टर्म का, देखो ए वन का इंडेक्स है के वन, ए टू का इंडेक्स है के टू, ए एम का इंडेक्स है के एम, तो इन सब के इंडाइसिस का एडिशन आपको एन मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, यस मैम। अच्छा स्टूडेंट अभी इसमें कितनी टर्म आएगी, ये वाला भी बहुत सारा स्टूडेंट को क्वेश्चन रहेगा, वो वाला मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं कोएफिशिएंट की बात करूँ, द कोएफिशिएंट ऑफ ए वन रेस टू पावर के वन, ए टू रेस टू पावर के टू, अप टू ए एम रेस टू पावर के एम इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज ये वाला, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जो इनके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, जैसे ये वाला है इसका कोएफिशिएंट पूछा है, तो है क्या ये वाला जो चीज यहाँ पे लिखा है, ये इसका कोएफिशिएंट है, ठीक है, इसके एक्सपांशन में, ठीक है स्टूडेंट प्लीज बताइए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऐसा ही देगी के वन के टू की कुछ वैल्यू दी रहेगी, जैसे बोलेंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड क्यूब, उसका कोएफिशिएंट बताइए, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज जो आ रही है वो आपको बताना है, और आपने ऑब्जर्व भी की होगी न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, एन फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है स्टूडेंट, देखिए जो भी इंडाइसिस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल के, उनका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है,
ठीक है, समझ में आई ये वाली बात, ऑब्जर्व करी आपने? ठीक है स्टूडेंट, यही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। द कोएफिशिएंट ऑफ ए वन रेस्ट टू पावर के वन, ए टू रेस्ट टू पावर के टू, अप टू ए एम रेस्ट टू पावर के एम इन दिस एक्सपांशन ऑफ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एम होल रेस्ट टू पावर एन इज दिस, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई के वन फैक्टोरियल के टू फैक्टोरियल अप टू के एम फैक्टोरियल। ठीक है, आपको पता है के वन ए वन का इंडेक्स है, के टू इज द इंडेक्स ऑफ ए टू, वैसे ही आपका के एम है इंडेक्स ऑफ ए एम। ठीक है, यहाँ पे जस्ट यूज किया नोटेशन, आप चाहे तो कुछ और भी यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट, अलग अलग टर्म, तो ये मल्टीनोमियल एक्सपांशन में आपको एन प्लस एम माइनस वन सी एम माइनस वन मिलता है टर्म्स। अभी आप क्या बोलेंगे, मैम ये क्या लिखा है, यहाँ पे स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर एम टर्म है यहाँ पे एम। ठीक है, तो ये जो एन है ये इंडेक्स है, टोटल का इंडेक्स यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे एन प्लस एम माइनस वन सी एम माइनस वन। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या था स्टूडेंट, तीन टर्म थी, हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था x प्लस वाई प्लस जेड होल रेस टू पावर n के एक्सपांशन में हमने बात करी थी, मिलता है n प्लस टू सी टू। आप वो कैसे मिला, क्योंकि आपके पास m की वैल्यू थ्री हो गई, देखिए n प्लस थ्री माइनस वन, तो यही मिलेगी चीज। तो ये इन जनरल मैं आपको बताया। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एग्जाम भी हो सकता है आपको कि चार टर्म यूज कर ले x y z ऐसा, एक्स वाई जेड, उसके अलावा आपको कुछ डब्ल्यू भी दे दे, मतलब चार टर्म, मतलब वहां पे एडिशन रहेगा, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, या हो सकता है उनकी जो कुछ अलग वैल्यू आपको दे, उसके एक्सपांशन में आपको बोल सकते हैं कि ये वाले टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड कीजिए। ठीक है, या कितने टर्म आएगी वो हमें बताइए, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ अभी के लिए। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, प्लीज बताइए अभी। यस मैम, स्टूडेंट थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। यस, ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया, एवरीवन रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। इन द एक्सपांशन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल रेस टू पावर 18 फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कोएफिशिएंट इसमें कितना, इसका कितना कोएफिशिएंट है एक्स और इसका कितना कोएफिशिएंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले तो मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको कैसे लिखे, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ x प्लस वाई प्लस जेड होल रेस टू पावर 18, इसका एक्सपांशन बेसिकली हम ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में सिग्मा। ठीक है, एंड स्टूडेंट यहाँ पे कितने है n की वैल्यू 18। ठीक है, तो न्यूमरेटर में आएगा 18 फैक्टोरियल। अभी स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मुझे पता नहीं है क्या इंडेक्स लेना है, तो मैं r s n t ले लेती हूँ, x का पावर r, ठीक है, y का पावर जैसे मैं बोल दिया s, जेड का पावर टी। आप चाहे तो कुछ दूसरा यूज करना चाहे के वन के टू, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो जो ये इंडेक्स आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट, इनका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में दिखेगा, आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, यानी एक बात क्या याद रखना, आप चाहे तो इधर लिख लीजिए, कई जगह लिखते हैं आर प्लस एस प्लस टी, ये कितना आ जाएगा आपके पास 18, मतलब आर एस ओ टी की वो अलग अलग वैल्यू आपको लेनी है, जैसे उनका एडिशन 18 आए, और आपको पता है एस पता है और टी क्या है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब इनकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी और बाकी सभी पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे। ठीक है, इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे, ये आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसके एक्सपांशन में कितने टर्म आएगी वो आप मुझे बताना है अभी। ठीक है, पहले वाली बात, फर्स्ट पार्ट याद है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो एक्सपांशन में नंबर ऑफ टर्म्स जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट, उधर से लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू कितने 18, सो 18 प्लस 2 यहाँ पे लिखेंगे सी टू। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 20 सी टू। आई होप ये बात समझ में आई होगी, मैंने अभी क्योंकि आपको इन जगह पे बताया था x प्लस वाई प्लस जेड होल रेस टू पावर एन के एक्सपांशन में कितनी टर्म्स आती है डिस्टिंक्ट टर्म बेसिकली, वो बताया था एन प्लस टू सी टू, तो वहां पे स्टूडेंट n की वैल्यू 18 हो गई। एंड यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये 20 शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, 20 इंटू 19 हो जाएगा 2 इंटू 1, आई थिंक 190, वेरी गुड 190। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए, इस चेक के क्वेश्चन एग्जाम में आपको किसी को कुछ डाउट है प्लीज बताइए, मुझे थोड़ा सा आवाज नहीं सुनाई दी आपका क्लियरली। नो मैम। ओके,
अच्छा स्टूडेंट प्लीज बताइए, ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे हम सिग्मा नोटेशन यूज कर रहे स्टूडेंट, क्योंकि हमें सारी टर्म लिख के नहीं दिखानी है, तो हम इसको पता है कि ये एक्सपांशन को ऐसा लिखें, क्योंकि हमने बाइनोमियल थ्योरम भी जब पढ़ी थी तो सिग्मा के फॉर्म में लिख के बताया था। बेसिकली क्या हो रहा है, सिग्मा के बाद जो लिखा रहता है स्टूडेंट वो जनरल टर्म है, आर प्लस वन टर्म। ठीक है, आई होप इतनी बार समझ में आई होगी जो जनरल yes. था। तो यहाँ पे सिग्मा इसको लगा रहे हैं, मतलब वो बहुत सारे टर्म का एडिशन है, और यहाँ पे आर एस और टी की वैल्यू वेरी करती रहेगी, और आपको पता है आर एस एंड टी ये आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब आर एस टी की वैल्यू मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, उसके बाद वो पॉजिटिव वैल्यू लेगी, पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा ये वाली बात हो गई। अच्छा स्टूडेंट अभी इसके कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, सेकेंड वाला यहाँ पे लिख देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, एक सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ किसका पूछा है, एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर 3, वाई रेज टू पावर 10 एंड जेड का पावर 5। एक्स क्यूब वाई रेज टू पावर कितना था, 5 10 एंड जेड का पावर 5। अच्छा स्टूडेंट आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, यहाँ पे जो भी जो इंडाइसेस है ना उनका एडिशन कितना 18 है, और 18 आपको पता है जो एक्सपांशन ओरिजिनली दिया ना उसका इंडेक्स भी 18 है, वो आप हमेशा याद रखना। जितने भी टर्म आपको मिलेंगे एक्सपांशन में, ईच टर्म में जो भी वेरिएबल आपको दिख रहे हैं उन सब के इंडाइसेस का एडिशन कितना होगा, जो इंडेक्स दिया है एक्सपांशन का, ठीक है उतना होगा। तो यहाँ पे मुझे बताइए कितना हो जाएगा कोएफिशिएंट, यहाँ पे स्टूडेंट 18 फैक्टोरियल ऑब्जर्वेशन जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आएगा, 5 फैक्टोरियल। ठीक है वापिस से दिखा देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आर की वैल्यू आपके पास 3 है, एस की वैल्यू 10 है, और यहाँ पे टी की वैल्यू 5 है, क्योंकि हमने जनरल लिख दिया है यहाँ पे एक्सपांशन आपका ऐसा दिखेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर 18 इज इक्वल टू सिग्मा 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एस फैक्टोरियल इंटू टी फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद एक्स का पावर आर वाई का पावर एस इंटू जेड का पावर टी। तो यहाँ से आप जस्ट देख सकते हो कि यहाँ पे आर की वैल्यू 3 है, एस की वैल्यू 10 है एंड टी की वैल्यू 5 है। ठीक है स्टूडेंट ये वाली चीज समझ में आई? तो ये जो लिखा है आपने इसके साथ में वो इसका कोएफिशिएंट हो गया। किसी को सोल्व करना है तो सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज मैं इतना लिख रही हूँ, मुझे लगता है बाकी का आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है कर सकते हो ना स्टूडेंट? मैम कर रही हैं। ओके कर रही है, तो आप कोई मुझे इसका आंसर बताना चाहे तो बता दीजिए, अदरवाइज इतना ही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा मेरे हिसाब से, इस टाइप का वो आपको दे देंगे। ठीक है अगर आपको पूरा सोल्व करना है तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके स्टूडेंट तो इतना वाला जो है मुझे लगता है सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिखेंगे। अभी मैं नेक्स्ट वाला बता देती हूँ, लेकिन ऑप्शन में आपको ऐसा भी दिख सकता है डायरेक्टली। ठीक है नेक्स्ट की बात की जाए सर, यहाँ पे स्टूडेंट तो मिल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड का पावर 16। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड का पावर 16, ये किसके एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर 18। ठीक है तो यहाँ पे स्टूडेंट कौन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो एक्स का इंडेक्स है 1 फैक्टोरियल, वाई का इंडेक्स है 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल आया, और यहाँ पे जेड का इंडेक्स है 16। ठीक है आप और तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो लिख सकते हो, अदरवाइज मैं इसको 18 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल लिख रही हूँ। ठीक है क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट, तो डिनोमिनेटर में 1 × 1 × 16 फैक्टोरियल। ठीक है किसी को डाउट है इसमें प्लीज बता दीजिए, कर सकते हो ऐसा एवरीवन? ये चीज समझ में आई स्टूडेंट? यस मैम। ओके स्टूडेंट थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो स्टूडेंट ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो जैसे रेंडमली मैं अभी बना सकती हूँ, अगर मैं बोलू इसी के एक्सपांशन में आप मुझे बताइए, कोई भी आपके क्वेश्चन बना लेते हैं अभी तो मैं इरेज कर दूंगी यहाँ पे, जैसे मैं बोला एक्स का पावर 7 है यहाँ पे ये वाला हो गया कम्प्लीट, एंड जैसे यहाँ पे वाई का पावर सपोज 5 है एंड जेड का पावर 6 है, आप देख लीजिए एडिशन 18 आना चाहिए 7 + 5 + 6। ठीक है तो अगर मैं पूछूं इसका कोएफिशिएंट बताइए तो क्या आंसर होगा, कोएफिशिएंट इसका एक्सपांशन में ये हो जाएगा हमारे पास 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट ये चीज आपको याद रखना है, कर सकते हैं ना ऐसा टाइप के क्वेश्चन हम?
ओके स्टूडेंट, तो ये वाला मैं इरेज कर रही हूँ, ये वाला मैंने रेंडमली अभी बनाया था, लेकिन जब भी आपको कोएफिशिएंट की बात करे, कोई एक्सपेंशन आपको दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है ब्रैकेट के अंदर तीन टर्म है, ठीक है? तो यहाँ पे हम मैंने इसका भी लिख के दिया था, यहाँ पे मतलब तीन टर्म ट्राइनोमियल बोल सकते हो आप, ट्राइनोमियल एक्सपेंशन या मल्टीनोमियल जो एक्सपेंशन है, मल्टीनोमियल थियरम, उसी से भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये वाला मैं पार्ट इरेज कर देती हूँ, देख सकते हैं ये वाला। किसी को कुछ डाउट है स्टूडेंट, नहीं समझ में आया कुछ चीज प्लीज बोलिए। एक और क्वेश्चन ऐसा लिया है मैंने कोएफिशिएंट वाला, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? एंड अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ, किसी को डाउट रहेगा तो आप प्लीज पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, ठीक है? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में स्टूडेंट। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको देखेंगे ब्रैकेट के अंदर तीन टर्म दिख रही है, दिख रही है, एक पहली वाली वन है, दूसरा वाला माइनस एक्स, फिर आपको एक्स स्क्वायर वाला, और यहाँ पे आपको पता है तीन टर्म दिख रही है और होल रेस्ट टू पावर फाइव है, उसके एक्सपांशन में आपको एक्स का क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे इसको, ओके पहले इसको लिख लेते हैं। ओके यहाँ पे हम लिखेंगे वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर फाइव। फिर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडेक्स कितना है, फाइव, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइव फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, अभी हमने पता नहीं है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे लिखेंगे वन का पावर आर एंड माइनस एक्स का पावर हो जाएगा एस, एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ पे जो स्टूडेंट जो टर्म है ना, बेसिकली वही चीज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है? जैसे एक्स वाई जेड होता था तो हम यहाँ पे एक्स रेस टू पावर आर लेते थे, वैसे यहाँ पे वन माइनस एक्स एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इनका पावर मैं लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर रेस टू पावर टी। एंड यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे आपको मिलेगा फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट? तो ये एक्सपांशन में कितनी टर्म्स आएंगी वो भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म है, तीन टर्म है, ठीक है? तो आप बात कर सकते हैं इसके एक्सपांशन में टोटल डिस्टिंक्ट टर्म की बात करें तो बेसिकली हो जाएगा आपके पास फाइव प्लस टू सी एंड यहाँ पे टू, ठीक है? मतलब सेवन सी, तो आप कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हो, ये हो जाएगा सेवन इंटू सिक्स अपॉन टू इंटू वन, तो ये आपके पास हो जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी वन, 21 टर्म आएंगे आपके पास इसके एक्सपांशन में, ठीक है? लेकिन अभी हमें सारे टर्म तो थोड़ी देखने, हमें क्या देखना है, हमें वो वाले टर्म देखने, बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब की बात करनी है, ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे मैंने सामने आपके लिख दिया है कि ये जो एक्सपांशन ऐसा दिखेगा, अभी मुझे ऑब्जर्व करके यहाँ पे बताइए कि आपको एक्स क्यूब कब मिलेगा, यहाँ पे एक्स क्यूब कब मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे आर एस और टी की आप वैल्यू चेक करने वाले हैं, तो स्टूडेंट यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दो केसेस में हमें एक्स क्यूब का टर्म मिलेगा। देख लीजिए, अगर मैं देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आर की बात करने वाली हूँ, एस की बात करने वाली हूँ और यहाँ पे टी की, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे भी लिखने वाली हूँ एंड यहाँ। अच्छा स्टूडेंट प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि आपको इतना तो पता है आर प्लस एस प्लस टी कितना, फाइव आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स बात करें इसका फाइव है, तो आर प्लस एस प्लस टी आपका फाइव आएगा, ठीक है? अभी हमें कौन से टर्म की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, कोई यहाँ पे एक्स क्यूब दिखे, ठीक है? ये वाली बात से एग्री करेंगे आप? तो यहाँ पे एक्स क्यूब अगर मुझे चाहिए तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अगर मैंने टी की वैल्यू वन ले लिया स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, सपोज हमने टी की वैल्यू ले लिया वन, तो वो वाले केस में एक्स स्क्वायर तो दिख गया आपको इधर, तो अभी मैं एस की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी स्टूडेंट, वन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप तब की बात किसकी बात कर रहे हो, एक्स क्यूब वाले टर्म की बात कर रहे हो, ठीक है? अगर मैंने टी की वैल्यू वन ली तो एस की वैल्यू डेफिनेटली वन लेनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब का टर्म तभी मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आपको पता है, ठीक है? समझ में आ रहा है ये वाली बात? अगर मैंने टी की वैल्यू वन ली है, एस की वैल्यू वन लेनी पड़ेगी, तो आर के बारे में बताइए क्या, क्योंकि तीनों का एडिशन आर प्लस प्लस टी कितना होना चाहिए आपके पास, फाइव होना चाहिए। शिवानी आपका हैंड रेज है, प्लीज बताइए। अच्छा मैम ये पता नहीं लग रहा है कि क्यूब किसका चाहिए। देखो एक यहाँ पे रुको, शिवानी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपांशन, मतलब इसके एक्सपांशन में बात कर रहे हैं कि देखो इसका एक्सपांशन आप करेंगे तो आपको अभी बात पता चले कि 21 21 टर्म आने वाली है आपके पास, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट, अभी आपको पता है यहाँ पे कि जो टर्म अभी आएंगी ऐसा फॉर्म में दिखेगा, देखो जैसे मैंने आपको डायरेक्टली लिख के बताया है, यहाँ पे सिग्मा फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एस फैक्टोरियल इंटू टी फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो भी आपको दिख रहे थे ना टर्म, उनका पावर मैंने जैसे वन का पावर आर कर दिया, माइनस एक्स का पावर एस कर दिया, एक्स स्क्वायर का पावर टी,
तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे रेड पेन से यूज करती हूँ, ये जो दिख रहा है ना इधर, ये आपको एक्स क्यूब दे, समझ में आया, ये वाला एक्स क्यूब दे आपको, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो हमें बताने कि क्या कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो मैंने अभी ऑब्जर्व करके बताया, देखो अगर आपने टी की वैल्यू 1 ले ली तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का पावर 1 हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर तो मिल गई एक आपको, आपको एक्स क्यूब वाली टर्म चाहिए, एग्री कर रही हो कि नहीं, क्योंकि आपको एक्स क्यूब वाली टर्म ढूंढ रही हो अभी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँ कि एस की वैल्यू लूँ, तो आपको एस की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा लेना चाहिए तो आपको एक्स क्यूब से ज्यादा मतलब वो वाली टर्म मिल जाएगी। मुझे सिर्फ क्या देखना है कि एक्स क्यूब की टर्म मुझे कब मिलेगी। तो आपने एक चीज तो यहाँ से ऑब्जर्व करी कि मैं अगर टी की वैल्यू 1 ली तो मुझे एस की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, तभी आपको इनका मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब दिखेगा। मैम आर की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी? नहीं, सोचो सोचो, एक मिनट, 0 नहीं, ये चीज तो याद रखना है आपको, जो कोई ये इंडाइसिस है आर एस ओ टी, उनका एडिशन कितना होना चाहिए, 5। यहाँ पे इंडेक्स कितना है एक्सपांशन में, देखिए 1 - x + x² 5। तो मैंने ये चीज आपको बताई थी, यहाँ पे लिख लीजिए आर प्लस एस प्लस टी, ये कितना आएगा आपके पास, 5। ये तो 5 ही आएगा क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हाँ यहाँ पे 3 आएगा भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यही तो चीज मिस्टेक करते स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टेक हुई तो आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने जो भी लिखा है यहाँ पे 1 - x + x² 5, इसको लिखा है सिग्मा, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एस फैक्टोरियल इनटू टी फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 1 का पावर आर माइनस एक्स का पावर एस एंड एक्स स्क्वायर का पावर टी, ठीक है। और आर प्लस एस प्लस टी कितना होना चाहिए, इक्वल टू इंडेक्स ऑफ द एक्सपांशन, यहाँ पे इंडेक्स है 5, ठीक है। तो स्टूडेंट एक तो ये हो गया, अभी ये वाले केस की बात करूँ क्योंकि बहुत सारे पॉसिबिलिटी है ना हमें चेक करने की, और एस और टी की क्या क्या वैल्यू लेंगे। अच्छा रजनीश कौर का हैंड रेज है यहाँ पे, प्लीज बताइए। मैम जो आपने टी और एस की वैल्यू 1 1 ली है, वो आपने कैसे सोच कर ली कि इनकी वैल्यू 1 लेनी है? हाँ वो मैं बता रही, देखिए ये वाली चीज देखिए, जब मैंने रेड पेन से इधर दिखाया, देखिए ये वाला जो अभी देखो दूसरा पेन यूज करते हो ताकि आपको दिखे, ये देखो ये नीला वाला यूज करती हूँ, ये वाला देखिए, क्योंकि आपको पता है ऐसा दिखने वाला है सारे टर्म में, मतलब 1 का पावर आर आएगा माइनस एक्स का पावर एस आएगा एक्स स्क्वायर का पावर टी आएगा, और ये साथ में जो कोएफिशिएंट दिखे, मतलब आप इसको एक्सपांड करेंगे ना तो ऐसे टर्म दिखने वाले, आर एस और टी की वैल्यू अलग अलग लेने वाले। एक बार आप मतलब आर एस टी की वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू की बात की है तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें वो पता नहीं, अभी यहाँ पे सिर्फ इतना पता है यहाँ पे आर प्लस एस प्लस टी अपना 5 होना चाहिए, मतलब तीनों जो इंडाइसिस का एडिशन आपका 5 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने मल्टीनोमियल थ्योरम में यही तो चीज सीखे है, यहाँ पे ये वाली चीज समझ में आई कि अगर आपके पास ब्रैकेट में अभी 3 टर्म है, आपके पास 4 टर्म हो 5 टर्म हो कुछ भी होने दीजिए, स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखते हैं सिग्मा, फिर उसके बाद हमें कोई बेसिकली जो चीज लिखा है ना यहाँ पे 5 फैक्टोरियल कहाँ से आया, बेसिकली 5 आपका ये एक्सपांशन का इंडेक्स था। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, जो भी आपको यहाँ पे जो टर्म मिल रही थी ना उनका आप यहाँ पे इंडेक्स लिखा है, जैसे यहाँ पे 1 का पावर आर लिखा है माइनस एक्स का पावर एस लिखा है एक्स स्क्वायर का पावर टी लिखा है, तो स्टूडेंट जो इंडेक्स में आपको दिख रहा था ना उनका ही फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आपको आ रहा है। तो यहाँ पे मैं रीजन, आपने सही क्वेश्चन पूछा कि आपको कैसे पता मैम एक्स क्यूब का टर्म कैसे मिलेगा, देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास है 1 का पावर आर है माइनस एक्स का पावर एस है एक्स स्क्वायर का पावर है टी। अच्छा स्टूडेंट मुझे एक्स क्यूब का टर्म चाहिए, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक्स क्यूब कब मिलेगा। यहाँ पे देखिए पहली बात मुझे बताएंगे, मैम आपने अगर टी की वैल्यू 1 ले ली तो एक्स स्क्वायर तो मिल गया मुझे, अभी एक्स का चाहिए मुझे क्योंकि एक्स इनका मल्टीप्लीकेशन में आपको एक्स क्यूब का टर्म दिखना चाहिए स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, ये सब मल्टीप्लीकेशन में, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने टी की वैल्यू 1 ले ली तो आपको पता है एक्स स्क्वायर तो दिख गया, अभी एक्स भी चाहिए ना क्योंकि तभी तो एक्स क्यूब मिलेगा आपको, एग्री करेंगे ना। तो यहाँ पे आपने यहाँ से सोचा एस की वैल्यू 1 ले लेते हैं, अभी ये भी चीज हमें पता है आर प्लस एस प्लस टी कितना होता है इंडेक्स के बराबर, इंडेक्स कितना है यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे अगर आर की वैल्यू 3 आई, ठीक है स्टूडेंट ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। अभी दूसरा केस में भी मैंने लिखा क्यों है यहाँ पे उसका रीजन मैं बताती हूँ, ऐसा हो सकता है कि आपने टी की वैल्यू 0 ले ली, हो सकता है ना स्टूडेंट टी की वैल्यू 0, जैसे मैंने अभी बताई थी आर एस टी की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो आपने हो सकता है कि एक्स स्क्वायर होल रेस टू पावर 0 ले लिया, तो यहाँ से आपने हो जाएगा। एक सेकंड, अगर टी की वैल्यू 0 ले ली, एक सेकंड दूसरा पेन यूज करती हूँ यहाँ पे, आप मुझे बताइए देखिए यहाँ पे अगर मैंने 0 ले ली तो यहाँ पे एस के बारे में क्या ख्याल है आपको, क्योंकि आपको एक्स क्यूब की टर्म चाहिए स्टूडेंट, तो इसको 3 लेना पड़ेगा आपको,
समझ में आ रहा है, एस को थ्री लेना पड़ेगा क्योंकि आप एक्स क्यूब के टर्म की बात कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे थ्री लेना पड़ेगा तो आर कितना आ जाएगा, क्योंकि इनका एडिशन पांच आना चाहिए, कितना होगा स्टूडेंट प्लीज बताइए, टू होगा एवरीवन, टू। अच्छा तो अभी क्वेश्चन कर लीजिए, ये मैंने अलग अलग बताया तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ कोएफिशिएंट क्या होगा, एक सेकेंड। तो यहाँ पे बेसिकली दो आपको इसके एक्सपांशन में, दो केसेस में आपको एक्स क्यूब का टर्म मिल रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्लीज मुझे बताइए क्या लिखो यहाँ पे, यहाँ पे पहले तो 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। एंड स्टूडेंट एक और चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एस की वैल्यू ली है 1, तो यहाँ पे माइनस एक्स होल रेस टू पावर 1 हो गया, मतलब वहां पे माइनस साइन बच गया। समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। यस मैम। तो यहाँ पे मुझे माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, माइनस एक्स क्यूब का नहीं पूछ रहा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब का पूछा है उन्होंने, अगर ऐसा पूछा होता ब्रैकेट के अंदर माइनस तो हम माइनस नहीं लेते, लेकिन एक्स क्यूब के आपके पास तो यहाँ पे भी माइनस आ रहा है तो वो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये वाले केस में हो गया है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस साइन है फिर 5 फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी ये वाले केस में बताइए, ये जो दूसरा वाला केस जो हमने लिया, यहाँ पे क्या मिलेगा कोएफिशिएंट, एक सेकेंड यहाँ पे लिख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, फिर हम इन दोनों का एडिशन करने वाले हैं। यहाँ पे बताइए स्टूडेंट, आपने अगर आर की वैल्यू ले ली है 2, तो यहाँ पे बेसिकली देखिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल आपको पता है 1 होता है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आपने एस की वैल्यू ली है 3, तो माइनस एक्स का पावर 3 हो गया, फिर वो आप इससे माइनस दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फिर एक्स क्यूब दिखेगा, तो वो वाला माइनस कोएफिशिएंट में काउंट होगा कि नहीं, तो यहाँ पे आपको माइनस दिखाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। प्लीज बताइए ये वाली चीज ऑब्जर्वेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, वो मैंने लिया है पर्टिकुलरली, ठीक है। किसी को डाउट है तो अभी टोटल के यहाँ पे लिख देते, नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ द कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे द कोएफिशिएंट ऑफ, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू पावर 5, ठीक है, इज अभी जो भी हमने लिखा है उन सब दोनों का, दो जो दो अलग अलग केस लिया है हमने उनका एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास था माइनस 5 फैक्टोरियल था, यहाँ पे आपके पास 3 फैक्टोरियल था, आई थिंक 1 फैक्टोरियल था, 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ की बात की जाए, मैं दिखा देती हूँ आपके पास ये माइनस, अच्छा स्टूडेंट ये जो माइनस साइन है 5 फैक्टोरियल के बाहर है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये 5 फैक्टोरियल और उसके कोएफिशिएंट की बात करें माइनस है, क्योंकि आपने ये वाली चीज नोटिस की होगी, ऐसा है यहाँ पे माइनस है, मतलब 5 फैक्टोरियल आपको पता है ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है एंड ये उसके बाहर माइनस है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ये अलग है। समझ में आया स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि आपको पता है जो फैक्टोरियल है वो नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, समझ में आया ना, प्लीज बताइए। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाती है वाली चीज में, तो यहाँ पे मुझे मिला है 5 फैक्टोरियल एंड इधर की बात करें तो क्या था स्टूडेंट हमारे पास, देख लेते हैं 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, दोनों में 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए यही क्वेश्चन लास्ट करेंगे, चलो सिंप्लीफाई करके मुझे बता दीजिए, ये हो गया, मैं आपको दिखा देती हूँ, माइनस साइन है 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल होता है 1, ठीक है, यहाँ पे भी 5 माइनस 20, एक सेकेंड एक बार, हाँ ये माइनस 20 आ जाएगा, इसका क्या होगा, वेरी गुड, यहाँ पे बताइए 5 हाँ तो माइनस 30 आ जाएगा ना टोटल, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 हो गया, ये 3 फैक्टोरियल हो गया, 0 फैक्टोरियल मतलब 1, ठीक है स्टूडेंट, ये मैं पूरा डिटेल में आपको बोल कर रही हूँ, 2 2, ओके, उसके बाद 2 2 सा एक बार चेक कर लीजिए, 3 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें मिल रहा है माइनस 20 माइनस 10, ये माइनस 30 आपको ये
क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ मैंने लिया है, यहाँ पे आंसर हमारा आ रहा है -30। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? क्यों ये वाला क्यों किया? क्योंकि आप इसका जो एक्सपांशन करते हैं ना बेसिकली, देखो देखो अभी यहाँ पे स्टूडेंट एक बार एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से देखिए, जो इसके ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना, देखिए वन है, फिर है माइनस एक्स है, प्लस एक्स स्क्वायर है, होल रेज टू पावर फाइव। तो बेसिकली अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हो ये रहा है कि जो टर्म मिलेंगे ना, जो टर्म की बात करें, एक तो कॉन्स्टेंट टर्म भी मिलने वाली है आपको। देखिए स्टूडेंट कैसे यहाँ पे देखो, हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी मिलेगी यहाँ पे, 10 मिलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है तो दिखा देती हूँ, बेसिकली ये टर्म है इसका पावर 5 जाएगा, तो एक्स का पावर 10 दिखेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो वैसे ही आपको देखिए यहाँ पे एक्स दिख रहा है, तो एक्स का पावर 5 वाला टर्म भी मिलेगा, मतलब यहाँ पे एक्स की अलग अलग पावर वाले टर्म दिखेंगे एक्सपांशन में, ठीक है। और वो क्या पूछ रहे हैं, इसके एक्सपांशन बहुत सारी टर्म आने वाली है, बट एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना आएगा वो बताइए। तो ये चीज हमने यहाँ से नोटिस करी है कि एक्स क्यूब कब मिलेगा, बेसिकली आर एस और टी की क्या वैल्यू ले ताकि आपको एक्स क्यूब मिले, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्लीज बताइए ये समझ में आई कि नहीं। यस मैम, यस मैम, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर हम क्या करते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स कल ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है हमारे पास। किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज पूछिए, आपको चाहिए तो और क्वेश्चन चाहिए तो और क्वेश्चन भी मैं दे सकती हूँ, ठीक है। समझ में आ रहे हैं? यस मैम, यस मैम। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करती हूँ आज के लिए, एक सेकेंड।